हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है थर्सडे मॉर्निंग का। तो जी, आज से नॉर्मली आया है पूरे महीने का, मतलब कि पूरे एक महीने बाद मेरा रूटीन फिर से वही पुराने वाला आया है। तो फ्रेंड्स, आज बच्चों को जाना है स्कूल, तो खाने में मैं बनाऊँगी उनके लिए फ्राइड राइस। तो क्या हुआ था ना, कल राइस मेरे बच गए थे, और फिर वो मैं वही सोच रही थी कि इन चावलों का मैं क्या करूँ। तो मैंने फिर ऐसे ही डुगू से पूछ लिया था और कार्तिक से कि मैं फ्राइड राइस बना दूँ, तो दोनों बच्चे रेडी हो गए। वैसे मैं ज़्यादातर बच्चों को ना फ्रेश ही खाना बनाकर देती हूँ, क्योंकि रात का रखा हुआ वैसे भी नहीं देना चाहिए, बट आज थोड़ा सा मन नहीं कर रहा था कुछ फ्रेश बनाऊँ। तो मैंने सोचा चलो यही वाले चावलों को मैं फ्राई कर देती हूँ टमाटर डाल के, और एक मैगी मसाला और ये सारे मसाले इनमें ऐड कर दूँगी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने ना दो तीन टमाटर ले लिए थे, तो तीन टमाटर को बारीक बारीक काट लिया था, और यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था थोड़ा सा, और उसमें राई से मैं चावलों को चौंकूंगी, क्योंकि राई के छुके हुए चावल ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और एकदम ये चावलों में ना एक खट्टा खट्टा सा एक टेक्स्चर आता है, एक अलग ही स्वाद आ जाता है। तो ऐसे हुए कि मतलब जवे हो गए, ये हो गए, तो मैं ज़्यादातर राइस से छौंकती हूँ। तो बस यहाँ पे ना मैं चावलों में ही सारे मसाले ऐड कर दूँगी, और फिर इसके बाद मैं फ्राई पैन में डालूँगी। तो बच्चों का तो फ्रेंड्स यही होता है रोज़ाना कि तुम कुछ स्पेशल बनाओ। क्या स्पेशल बनाए फ्रेंड्स, समझ नहीं आता कुछ भी। रोज़ रोज़ क्या बनाए, स्टफिंग वाले पराठे क्या, तो जो मेरे को समझ में आया आज मैंने उसको ये रेडी कर दिया। तो जी, अब बज रहे थे सुबह के 7, और अभी बच्चे नहा लिए हैं दोनों, और डुग्गू करने जा रहा था पूजा, और कार्तिक तो पूजा करके बैठा हुआ था, वो चाय नाश्ता मांग रहा था। तो बस यहाँ यही इसी की तैयारी में लग रही थी, और बस वही अब मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया ना। हाँ जी फ्रेंड्स, तो बच्चे चले गए थे दोनों स्कूल, तो इनका टिफ़िन मैंने रेडी कर दिया था, और चाय नाश्ता सबका ही निपट चुका है, मेरा, हस्बैंड का, बच्चों का। तो मॉर्निंग में क्या होता है ना, जब सारे सुबह ही नहा लेते हैं, तो भाई फिर मेरा 8 बजे तक, जब तक डुगू जाता है ना, तो नाश्ते का काम तो मेरा सुबह निपट जाता है जल्दी से, क्योंकि जो नाश्ता मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाती हूँ वही हम लोग कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और बस फिर मैं थोड़ा सा, थोड़ी देर मैंने फ़ोन चलाया था, इसके बाद मैं लग गई थी काम में। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ बारी आती है मेरे कपड़े धोने की, तो मैंने कपड़े सारे धो लिए थे, ड्रायर हो गए थे, तो बस यही कपड़े मैं डाल रही थी। तो कपड़े डालने के बाद फिर आ जाती हूँ मैं वही अपने किचन में, जैसे कि मैंने बताया किचन एक ऐसा है कि मतलब सुबह 2-3 घंटे तो हमारा टाइम लेना ही लेना है किचन में, क्योंकि नाश्ता वगैरह रेडी करा, अब इसके बाद आ जाती है बारी दोपहर के खाने की। तो अब दोपहर के खाने में मैं बनाऊंगी कढ़ी और चावल। तो फ्रेंड्स, कढ़ी के लिए दही ना मेरे पास 3 दिन पुरानी रखी हुई थी, तो बस वो थोड़ी सी खट्टी हो गई थी, तो खाने में भी अच्छी नहीं लग रही थी, और खट्टी दही तो वैसे भी नहीं अच्छी लगती। तो बस मैं उसी कढ़ी चावल बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने कढ़ी को अच्छे से बिलो लिया था, दही को, दही में बेसन ऐड करके, और यहाँ मैंने सबसे पहले, मेरी ये कल से ना कढ़ाई रखी हुई थी, तो कल मैंने छोले चावल और भटूरे बनाए थे, तो उसकी वीडियो मैं ऐड नहीं कर पाई, शाम को कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि बस एडिटिंग नहीं हो पाई थी। तो बस ये वही कढ़ाई रखी थी, और इस कढ़ाई में मैं अब पकौड़े उतार लूँगी, फिर बाद में इसी में ही कढ़ी बनाऊँगी। हाँ जी, तो यहाँ मेरे को बस थोड़े से ही पकौड़े बनाने हैं, तो पकौड़ों के लिए मैंने थोड़ा सा बेसन फेंट लिया था, और बेसन में हल्का सा नमक और हल्का सा मामूली सा खाना सोडा डाल दिया था। हाँ जी फ्रेंड्स, तो जब मैंने एक राउंड के कपड़े जो डाले थे, अब ये दूसरे राउंड के हैं, तो बस अब इनको भी फटाफट से डालने के बाद, अब पकोड़े मैंने बना लिए थे, तो मैंने सोचा चलो पहले ये कपड़े डाल लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं बनाऊँगी कढ़ी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब मेरे फाइनली पूरे कपड़े धुल चुके हैं, जो दूसरे राउंड के थे वो भी मैंने धो के डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है हमारी किचन में कढ़ी बनाने की। तो पहले वही मैंने बताया था ना, जैसे कि जो कढ़ाई हो रही थी, मैंने उसमें पहले एक पकौड़े बना लिए, तो अब मैं इस कढ़ाई को ना साफ करके ही रखूँगी। मैंने सोचा चलो इसी में ही कढ़ी बना लेते हैं, तो क्या होता है ये कढ़ाई थोड़ी सी छोटी है, बट कढ़ाई साफ़ हो जाती है ना कढ़ी बनने से, इस चक्कर से मैंने इसी में बनाई कि शायद थोड़ी बहुत साफ़ हो जाए। हाँ, बट हुई, मगर मेहनत मेरे को करनी पड़ी कढ़ाई साफ़ करने के लिए, वही जैसे ईंट वीट रगड़ के, नींबू वीट रगड़ के। तो जी, अब मैंने ये यहाँ पे बेसन और दही का बैटर रेडी कर लिया था, तो बस यहाँ मैंने एक कढ़ी पत्ते की ये लीफ ले आई थी, और बस इसमें तेल को मैंने गर्म करके मेथी दाना डाल दिया है, हींग डाल दिया है,
हींग डालने के बाद फ्रेंड्स मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी लाल सूखी मिर्च, क्योंकि उससे ना बहुत ही अच्छा एक स्वाद आ जाता है कढ़ी के अंदर। हाँ जी, लाल सूखी मिर्च और हींग वगैरह डालने के बाद यहाँ मैंने बैटर जो था वो कढ़ाई में पलट दिया है और पानी ऐड कर दिया है और सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर ऊपर से। और बस अब इसको पकने देंगे मंदी आँच में और छोड़ देंगे इसको, इसके हाल पे पकती रहेगी। और जब तक मैं निपटाऊंगी अपने घर के और बाकी सारे काम जितने भी मेरे रह रहे हैं, तो पहले मैं करूंगी कि किचन का काउंटर टॉप और ये बर्तन वगैरह क्लीन, जो कि नॉर्मल सी बात है, सुबह इतना नाश्ता वगैरह और ये कढ़ी भी बनने के लिए प्रिपरेशन करी है ना, तो जितने भी बर्तन हैं तो फर्स्ट राउंड के तो मेरा यही काम है। पहले मैं ये बर्तनों को ही साफ करूंगी और किचन के काउंटर टॉप वगैरह को क्लीन करूंगी, फिर इसके बाद लगती हूँ मैं फ्रेंड्स सफाई में। तो अभी सुबह मॉर्निंग में तो मेरे को यही सब काम करने में कम से कम 3 से 4 घंटे तो लगने ही लगने हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब आती है बारी मेरे हॉल को क्लीन करने की। तो यहाँ मैंने अपने रूम में कर दिया है झाड़ू पोछा पूरा अच्छी तरीके से, तो बस अब यहाँ निपटा लूँगी मैं पूरा हॉल। और देखिए ये पूरा कमरा हो गया मेरा साफ। तो मैं इसको जहाँ जहाँ से मैं पोछा लगाती हुई आती हूँ ना, तो फिर मैं रूम को बंद कर देती हूँ कि धूल मिट्टी ना आ जाए। तो अब यहाँ मेरा पूरा हॉल रह गया है और इसमें भी बस फाइनल मेरे को पोछा लगाना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि झाड़ू वगैरह सारी हो चुकी है और बस एक फाइनल टच देना है मेरे को पोछा लगाने का। तो जी यहाँ पे अब जाकर आई थिंक 12 बज गए थे, जो मेरा पूरा काम निपटा है। और अभी इसके बाद मेरे को करने हैं सारे कपड़े तय, और कपड़े बहुत सारे हो गए थे रोजाना की तरह ही, क्योंकि सब डबल डबल बदलते हैं, तो इसी वजह से सब रात के अलग दिन के अलग, स्कूल की यूनिफॉर्म ये सब चीज़ें, तो कपड़ों का तो रोज का ही है।
और फ्रेंड्स यहाँ मेरा देखिए पूरा हॉल हो गया है क्लीन। तो अभी इसके बाद बालकनी साफ़ करनी है। बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है क्योंकि जब एंड में वही एरिया मेरा रह जाता है जहाँ मैं सारा गंद निकाल कर ले जाती हूँ पूरे घर का, और फिर उसको अच्छे तरीके से साफ़ करनी पड़ती है। तो बस अब यहाँ ये गेट वगैरह अच्छे से साफ़ करने के बाद, क्योंकि धूल, ये बाहर का पोर्शन है ना मेरा, तो फ्रेंड्स धूल इतनी आती है कि आप दिन में अगर 3 बार भी कपड़ा मारे ना तब भी यहाँ धूल धक्कड़ दिखेगा ही दिखेगा। तो बस यहाँ बालकनी में मैंने पायदान वगैरह जितने धोए थे ना, बस इनको भी मैं सुखा दूंगी, क्योंकि ये वो वाले बाहर मेन डोर के पायदान हैं जो मैं बाहर डालती हूँ, तो इनको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ मैं पौधों में भी थोड़ा पानी डाल दूंगी, क्योंकि 2 दिन से ना मैंने पानी नहीं डाला था। पानी जब ज़्यादा हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो फिर ज़्यादा ही पौधों में ना काई सी लगने लग जाती है, तो इस वजह से मैंने 2-3 दिन अब की बार ना पानी नहीं डाला। तो आज 3 दिन बाद पानी डाला है, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, पौधे में नमी बनी हुई है, तो मैंने सोचा पानी ज़्यादा डालने से भी पौधा ख़राब हो जाता है, इस वजह से मैंने 2 दिन पानी नहीं डाला था, 3रे दिन पानी डाला था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सारे पोचे वगैरह धुल गए हैं, और पूरा अब ये मैं बालकनी के साफ़ कर लूँगी, और फिर इसके बाद लगूँगी कपड़े हैं जो मेरे एंड का काम है। पूरा घर का काम कंप्लीट हो जाता है ना, फिर मैं जाती हूँ कमरे में कपड़ों को समेटने, और यहाँ पे पूरी सफाई करने के बाद मैं अच्छे से सुखा दूँगी। क्या क्या होता है ना कि अगर ये वाला पोर्शन हमारा सूखा हुआ नहीं होएगा ना, तो फिर मेरे को बार बार जैसे बाहर जाना पड़ता है छज्जे पे, तो वो गीले पैर बन बन कर अंदर आते हैं। अभी तो फिलहाल बच्चे स्कूल गए हुए हैं, अगर बच्चे घर में रहते हैं ना तो वो छज्जे पे 10 बार जाएंगे 10 बार आएंगे, तो ऐसे पैर बनाते हैं। तो मेरा क्या होता है ना कि कस के वाइपर से पानी खींचने के बाद ना मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ, तो जिससे कि जल्दी सूख जाए। और अब आती है बारी हमारी यही कपड़े फोल्ड करने की, तो कपड़े बस ये इनको फोल्ड कर करके रख दूंगी, और बच्चों की ड्रेस रह जाएगी, तो उनको भी मैं साथ के साथ सोच रही हूँ कि प्रेस कर ही देनी चाहिए, क्योंकि स्कूल पहन कर जानी है यार इसी चक्कर से, वरना मेरा तो प्रेस करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और यहाँ जितने भी कपड़े मैंने तय करे थे ना, सब कपड़ों को मैंने उनकी जगह लगा दिया है। और अब कर लेते हैं बच्चों की यूनिफॉर्म को प्रेस, और प्रेस करके अभी मेरे को ना थोड़ा ये इसकी पैंट की ना, डुगू की पैंट की तुरपाई उधड़ रही थी, तो मैंने सोचा चलो पहले प्रेस कर लेती हूँ, फिर इसके बाद इसकी तुरपाई को मेनली ठीक कर दूँगी। और फ्रेंड्स यहाँ मैं करती हूँ अपने इस वाले वीडियो का एंड। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी बाय बाय फ्रेंड्स, और अपना अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये मेरे मॉर्निंग का रूटीन जो था ये ख़त्म होता है, जो सुबह आज मैं उठी थी 5:30 बजे, 5:15 साढ़े 5 उठी थी, तो 5:30 बजे से लेकर 12 बजे तक का ये रूटीन है। और अभी खाना किसी ने नहीं खाया, जब बच्चे आएंगे तभी हमारा खाने वाने का काम होएगा। तो यहाँ पे ये कपड़ों को मैं प्रेस करके इनको अलमीरा में टांग दूंगी, और फिर इसके बाद मैं थोड़ी देर लेटूंगी, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। यार काम करते करते थक जाता है इंसान सुबह से लगे लगे, और फिर करूंगी मैं इसकी पैंट पे तुरपाई। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे इस चैनल पे और मेरे इस व्लॉग में, क्योंकि इंटरेस्टिंग तो क्या है, जो मेरा डेली का काम है ये वही है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अपना